दोस्तों वेलक्रो के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ये वेलक्रो की जो खोज है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुई थी। आप सबको पता होना चाहिए कि जो वेलक्रो के इन्वेंटर हैं उनका नाम था जॉर्ज डी मेस्ट्रल, जिन्होंने 1940 और 41 के आसपास इस वेलक्रो की खोज की थी, जब ये अपने कुत्ते मिल्का के साथ एल्प्स की जो माउंटेन रेंज है वहाँ पर घूमने गए थे। तो जब वो घूमने गए थे तो उनके कपड़ों पे कुछ चीज़ चिपक गई थी। यहाँ पर मैं वो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये मैं थोड़ा क्लियर करके आपको बताता हूँ, जूम करके। ओके, ये आप सबको दिख रहा होगा अभी मेरे हाथ के ऊपर। अब ये जो है वो मैं थोड़ा सा तोड़ भी लेता हूँ ताकि आपको और नज़दीक से पता चले, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ये आपके कपड़ों के ऊपर चिपक जाता है और फिर उसको खोलने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, वरना ये आपको चुभ भी सकता है, ठीक है। और जब ये अपने जॉर्ज डी मेस्ट्रल ये एल्प्स की माउंटेन रेंज पर अपने कुत्ते मिल्का के साथ घूम रहे थे, तब ये उनके कपड़ों के ऊपर चिपक गया था। इवन मिल्का की बॉडी के ऊपर भी चिपका हुआ था, तब इनको ये अपने वेलक्रो के इन्वेंशन का आइडिया आया था। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।